अभिनंदन युवक, मेरे इस दंडक वन में आपका स्वागत है। युवक, इस भयानक वन में पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? देवलोक से आए कोई देवता हो या फिर मानव संतान? कौन हो तुम? देवी, मैं अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। राम, राम, कितना प्यारा नाम है राम। और क्या कहा तुमने? कहां से हो तुम? क्यों भेज दिया फिर? अयोध्या। अयोध्या? कहीं सुना तो है, बड़ा ही भव्य नाम है अयोध्या। देवी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय जानना है राम? तो फिर सुनो, मैं इस दंडक वन की स्वामिनी हूं। मेरे भाई खर और दूषण का ये पूरा साम्राज्य है। लंकापति रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की मैं इकलौती बहन हूं। और मेरा नाम है सूर नखा। नखा? राम, तुम यहां दंडक वन में क्या कर रहे हो? देवी, हम पिता के वचनों के कारण यहां 14 वर्ष वनों में व्यतीत करने के लिए आए हैं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? राम, तुमने मुझे बहुत आकर्षित किया है। मैं तुम्हें अनुग्रहित करना चाहती हूं। किंतु कैसे देवी? मैं लंकापति रावण की बहन काम रूपिणी तुमसे प्रणय निवेदन करती हूं। मुझसे विवाह कर लो राम। देवी, मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, किंतु किंतु परंतु छोड़ो राम, सौभाग्य तुम्हारे द्वार खड़ा है। और वैसे भी मुझसे ज्यादा सुंदर कन्या तुम्हें पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना देवी, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों राम, इसमें क्या बाधा है? जरा सोचो, यदि जो तुम
मुझसे विवाह करते हो तो तुम लंकापति रावण की दौलत और ताकत दोनों तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। तो क्या हुआ राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी पत्नी के होते हुए मैं किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और सीता के होते हुए मैं किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। और तुम्हें देखने के बाद मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती हूँ, उसका क्या होगा राम? देवी, मैंने कहा ना, आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। वो कौन है राम? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। लक्ष्मण? राम, लक्ष्मण तो अभी अकेला है ना? हाँ, इस समय तो वो अकेला है। लंकापति रावण की इकलौती बहन और मेरा नाम है सूर्पनखा। लक्ष्मण, क्या तुम जानते हो मैं प्रतिदिन तुम्हें छिप छिप कर देखा करती थी, और जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। अरे, ये क्या कह रही है देवी? मुझे स्वीकार करो लक्ष्मण। देवी, प्रेम तो आप मुझसे करती हैं, किंतु प्रेम का प्रस्ताव भैया को देती हैं। दंडक वन की स्वामिन का यह अनुराग, यह तो अद्भुत है। सही कहते हो लक्ष्मण। अरे, मैंने सोचा बड़े भैया राम के अविवाहित रहते तो मुझसे विवाह नहीं करते, तुम्हें ये बात अनुचित लगती, इसीलिए बड़े भैया राम से विवाह कर मैं तुम्हारे समीप रहना चाहती थी। ओ, तो ये बात है देवी। हाँ। और मुझसे विवाह करके किसके समीप रहेंगी आप? बड़े दुष्ट हो लक्ष्मण, यदि जो तुमसे विवाह करूंगी तो तुम्हारे ही समीप रहूंगी, किसी और के समीप भला क्यों जाऊंगी? नहीं देवी, मुझे लगा कि आपके यहाँ ऐसी कोई रीति होती होगी कि जिसके निकट रहना हो विवाह उससे ना करके उसके निकट के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर लिया जाए। बड़े ही विचित्र पुरुष हो लक्ष्मण। एक स्त्री 16 श्रृंगार किए समर्पण के लिए तत्पर है, और तुम हो कि आगे बढ़कर उसका हाथ थामने का तुम्हारे अंदर पौरुष ही नहीं जागता। इसमें गलती आप ही की है देवी। मेरी? हाँ, आपको समस्त जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जिसका पौरुष आपको देखते ही जाग उठे। लक्ष्मण, यदि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो किसी और के पास भला क्यों जाऊं? लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा देवी, आप कुछ भी कर सकती हैं? कुछ भी कर सकती हूँ लक्ष्मण। जो मैं कहूंगा वो करेंगी?
जो तुम कहोगे वो करूंगी। तो मेरा एक छोटा सा कहा मानिए। कहिए। गोदावरी नदी में डूब मरिए। ओ, तो मेरे प्रेम की परीक्षा ली जा रही है। सोच समझ के बोलो लक्ष्मण, मैं डूब भी मरूंगी, अपने हट की बड़ी पक्की जो हूं। आओ आओ मेरे साथ चल के देखो, तुम्हारे कहने पे डूब मरती हूँ कि नहीं। देवी, चलो। आप ठहरिए, आप मेरी बात सुनिए। इस क्षण आप यहां से लौट जाइए। देखिए, मैं श्री राम का अनुचर हूं, उनका दास हूं, और फिर एक दासी आपको क्या ही सुख दे पाएगा। लक्ष्मण, तुम बड़े भैया की चिंता ना करो। आइए, मैं उनसे अनुमति लेकर ही तुम्हारे पास आई। देवी, प्रस्थान कीजिए। राम, देखो ना, तुमने तो कहा था कि लक्ष्मण मुझसे। ये कौन है राम? देवी, ये मेरी भार्या। क्या नाम है इसका? सीता। सीता, इतनी इतनी सुंदर थी तो मैंने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखी। जब तक ये सीता इन दोनों के साथ है, ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्यों ना मैं इस सीता को ही अपने रास्ते से हटाकर फेंक दूं। अब सीता को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। ऐसा है कि तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहिए, किंतु आप स्त्री हैं, इसलिए केवल चिन्हित करके छोड़ रहा हूं।
वन सावधान। I'm not gonna lose you.